फिल्म से खास तौर पर कि इसमें किस तरह का किरदार जो है वो निकल के आया हो इमरान अशरफ का, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है उसकी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है फिल्म के अंदर। देखिए, मैंने तो जाके फिल्म की शूटिंग भी देखी थी जब हुई थी, और थोड़ा सा रशेज भी देखे हुए, बहुत अच्छे और डिफरेंट लग रहा है। मतलब ये वो इमरान अशरफ नहीं लग रहे हैं जो टी वी पर आते हैं, और ये वो अमर खान नहीं लग रही हैं जो टी वी पर आती हैं। तो दोनों ने फिल्म को फिल्म की तरह किया है इसके अंदर, और अगर ये फिल्म इंशाल्लाह हिट हो जाती है तो फिर इन दोनों का भी ब्राइट फ्यूचर एक है, और हम सब उसके लिए तैयार बैठे हुए। बहुत ज़बरदस्त। उमर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, डायरेक्शन के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और ये भी बताया कि किस तरह की फिल्म आने वाली है। तो ईद पर जो नाज़रीन है उनको एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म देखने को मिलेगी, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह का रश यहाँ पर अभी भी देखने में लग रहा है, ट्रेलर लॉन्च के ऊपर ही लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो होपफुली जब फिल्म रिलीज़ होगी तो उसका एक अलग ही रंग जो है वो सामने आएगा, और बड़े पर्दे पर आपको इमरान अशरफ को भी देखने को मिलेगा।